मुझे काफ़ी डाउट है कि सोहन शेव करके आया है, इसके लिए वो बोल रहा है पता नहीं। मैंने बोला चल मरीन्स जाते, तू गाड़ी निकाल रहे थे तो बोला मरीन्स तो अभी एक सरप्राइज रहने वाला है। तो क्यों बोल रहा है, बहुत देर मैंने उसको पूछा था, टॉपिक चेंज किया। कॉन्ग्रेचुलेशन सोहन। मैंने बहुत गंदा प्रेडिक्ट किया था कि सोहन दाढ़ी निकाल के आया है। हाँ दाढ़ी भी एक्चुअली निकाल दिया था। ठीक है अभी तो इसके सामने तो ऑब्वियसली तो फेल हो गया। वाओ कल्लू गैंग में और एक गाड़ी आ गया, ये ऐड रुक गया। मैं उड़ना नहीं चाहता हूँ। कैसा लगा सरप्राइज हमारा? क्या मैं अकेले इंसान हूँ जिसको पता नहीं था? यस फक ऑफ, मैंने बताया नहीं भाई। हाँ और कल क्या बोला? बच गया भाई, बच गया, थोड़े के लिए बच गया था। क्या कल मैंने कुछ बोला? मेरे को बोला कि मैं सब बोलने वाला था। अरे इसे कॉल पे क्या किया था पहले देखो। मैं ट्राई किया, एक मिनट इन माय डिफेंस, साहिल मेरे को कल बोला मरीन से एक सरप्राइज रहने वाला है, तो मैं क्यों फिर भी राज ही रह गया था। हाँ तो बच गया, तब तक ठीक है, तब तक कुछ भी हो जाए तब क्या फर्क है। सीक्रेट सीक्रेट कीपर तो नहीं है, सीक्रेट कीपर ही। थोड़ा सा तो मुंह खुल गया। नहीं थोड़ा, नहीं 10%। यस साहिल प्लीज 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 रिपीट योर वर्ड्स। क्या बोले, शादी करने के लिए मोटा होना पड़ता है? देखो ना पड़ेगा तो दुल्हन नहीं लगती। दुल्हन लगने के लिए क्या करना पड़ता है? ऐसा थोड़ा बड़ा दिखना पड़ता है ना, अभी तो बच्ची दिखेगी, बाल भी तो हो जाएगा तेरा अगर शादी। ऐसा कुछ भी नहीं होता अब भी तो, मतलब मेरे दोस्त का भी जो रिसेंटली हुआ शादी, मेरे को तो वो भी दूल्हा नहीं लग रहा था। क्यों, वो सिकुड़ा हुआ था क्या? अरे वो छोटा दिखता है, मतलब है एज उसके बड़ी बड़ी, बट दिखता छोटा है। तो साहिल के हिसाब से अगर किसी को शादी, मतलब थोड़ा मैच्योर तो दिखना चाहिए ना, तो पर लुक्स ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं? ये चीज म्यूट कर देना, अभी मैंने वो फोटोज देखे उन लोग के, वो तो नहीं लग रहा है दूल्हा। ये म्यूट नहीं होने वाला है, ये पोस्ट होने वाला है, और जिसका भी शादी हुआ है ना वो ये ब्लॉग, मैं होप करती हूँ कि आप ये ब्लॉग देखें। और साहिल बोल रहा है कि आप बिल्कुल भी दूल्हे नहीं लग रहे। कौन ये? उसको समझ जाएगा जो भी है। हाँ। तो अकॉर्डिंग टू साहिल आप दूल्हे नहीं लग, और लड़की वो थोड़ी लग रही है, लड़का छोटा लग रहा है। रक्षित लगेगा खुद को देख के तो लगता मैं नहीं तो नहीं लगूंगा। वो सबको खुद को देख के ऐसे नहीं लगता। अरे हम लोग भी मतलब उसका नहीं, तू भी देख के लग जाएगा। तू बहुत शेरवानी में जो छावा दिखेगा, आये हाय 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 हाय, नहीं नहीं नहीं, ये शर्म शर्म छुपाने लायक तो नहीं है। कियारा आडवाणी आएगी ना सामने से, आये हाय आये हाय। कियारा आडवाणी तो है पर सिद्धार्थ कपूर मुझे नहीं लग रहा है। सिद्धार्थ मल्होत्रा, ये कपूर कहाँ से आ गया? तुझे क्या लगता है कन्नो गैंग में सबसे पहले शादी किसको? अरे यार ये हर बार का टॉपिक है। मेरे को तो लगता है मैंने भी यही बोला था। सोने बोला उसको, सोहन का आंसर पता है? सोहन कुछ, हाँ क्या कुछ भी, मैंने कभी बोला नहीं था। नहीं नहीं नहीं, मेरे मेरे सोन फोन कर दे, मेरे पे फोर्स किया गया था, मुझे बोला गया था मेरा होगा, बट मेरा नहीं हो रहा है। पागल है क्या? बिल्कुल नहीं गाइस, देखो क्या लगता है 28-29 और 4-3-4 साल तो आराम से। देखो क्या लगता है किसका होगा? साहिल का होगा। मेरे को भी लगता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि साहिल का ही होगा। जो रीजन है कि क्यों लग रहा है उसके लिए होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा, फिर किसी का ठिकाना नहीं है ये ग्रुप में। और साहिल क्या बोल रहा है देखो सोहन के नई गाड़ी के बारे में? कुछ नहीं, मजा आ रहा है एकदम। तुम लोग का रिएक्शन रिकॉर्ड हुआ क्या? यस ऑब्वियसली, मेरा अलग से, मेरा और कौन था मेरे साथ, मैं मितेश और मैं और मितेश थे शायद, बाद में विक्रांत का मेरे पास है। विक्रांत है ना ऐसा गाना सुन रहा है, अपना टाइम आएगा, वजह क्या है ये,
और विक्रम ऐसा, अरे हाँ अपना टाइम आएगा, पीछे इसकी गाड़ी खड़ी है, ये जोर से विक्रम ऐसा ऐसा कर रहा है और मैं ऐसे सिर्फ फोन लेके खड़ा हूँ। विक्रम जैसे पलट के देखा ना, दो बार देखा देखा तो सोन है, देखा तो ऐसा ही देख रहा है, ऐसे झुक के देखा तो बोलते हैं कि नहीं गए तो मजा आ गया, मचा रहा है सोन भाई अपना। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बलाए तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता जहाँ है मेरा, कभी सुन तो जरा जो मैं कहना सका, मेरी दुनिया तुम्ही हो तुम्ही आसरा, दुआएं सुनो सजाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। क्या बात है, क्या बात है, ओह माय गॉड क्या बात है, गाना बनाया है यार, वाह वाह, कितनी बार सुन चुका हूँ, रू रू का मुझे कितनी बार, मतलब मैं रिक्शा में, मैं विक्रोली से मेरा ऑफिस दो तीन बार, पूरा ट्रेन मुलुंड टू विक्रोली, आई थिंक वो जो पूरा लाइन है ना, सजाए सुनो जफाए सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ, मैं तो उधर ऐसे हो जाती यार, मुझे तो प्यार भी नहीं हुआ है रिसेंटली न्यू में, बट कुछ तो हो जाता है वो लाइन सुन के। गाइस हम लोग साहिल को घर तक छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि अपेरेंटली उसके बिल्डिंग के नीचे चूहे, नहीं 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 पीठ दिखा के चलने की जरूरत है, उसके बिल्डिंग के नीचे छाती टांग के, हाँ उसके बिल्डिंग के नीचे चूहे रहते हैं, उसको डर लगता है। तेरी हाइट सोहन, हाइट बता दे, मेरा हाइट है 5 feet, रुक जा 40 lakh 40 lakh, इतना लंबा है, इसका मुंह किधर है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे देख भाई, और फिजिक भी काफी अच्छा है लड़के का, और उसको चूहों से डर लगता है, और वो मेरे को फोबिया है, 25-30 लोग उसको घर तक छोड़ने के लिए ड्रॉप करने के लिए आए, ऐसा उसका उम्मीद, ऐसा उसका विश है, रैंटोफोबिया, प्लीज एक बजा रहता ना तो चले, चूहे चूहे होते हैं, फट्टू होना फट्टू होता है, ये 12-1-2 का टाइमिंग मध्य, सुन तुझे क्या बोलना है, मुझे कुछ नहीं बोला, मैं इधर पता नहीं रिवर्स वॉकिंग क्यों कर रहा था कब से, शर्म आती है, नहीं नहीं तुझे तो आनी भी नहीं चाहिए, तुझे आती है शर्म, पर मेरे को अभी नहीं आती है, डर लगता है भाई।